हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ वाइट सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इस सॉस को पास्ता, पिज़्ज़ा या फिर गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक पैन में मैंने 2 चम्मच बटर लिया है। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप इसमें घी का यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच मैदा डाला है। अब इस मैदे को हम इसमें भूनेंगे। ध्यान रखें कि हमें इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे 2 मिनट तक धीमी आंच पे भूनना है। अब मैं इसमें 1 कप दूध थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में डालूंगी ताकि इसमें लम्स ना आ जाए। दूध डालकर हमें इसे बहुत ही जल्दी जल्दी मिक्स करना है क्योंकि इसमें लम्स आ जाते हैं। हमें इसे बहुत ही जल्दी से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच नमक ऐड करूँगी और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। वाइट सॉस हमारा रेडी है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। हमें इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है क्योंकि रखने के बाद ये और थिक हो जाएगी, तो हमें इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके इस वाइट सॉस में लम्स आ जाते हैं, तो इस विस्कर की मदद से आप उस लम्स को हटा सकते हैं। तो वाइट सॉस हमारी रेडी है। अब मैं इसको बोल में ट्रांसफ़र करूंगी और अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे मैंने एक डिलीशियस रेसिपी बनाई है और वो है गार्लिक ब्रेड। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये गार्लिक ब्रेड इसी वाइट सॉस से बनाई है। इसमें मैंने कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। इस गार्लिक ब्रेड की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, और आई सेक्शन में भी है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और ये बिल्कुल पिज़्ज़ा हट स्टाइल गार्लिक ब्रेड बनी है। इसमें मैदा नहीं है, अवन का यूज़ नहीं किया है, चीज़ का यूज़ नहीं किया है, और मैंने इसमें बटर का यूज़ भी नहीं किया है। तो ट्राई करिए इस डिलीशियस गार्लिक ब्रेड रेसिपी को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।